मुंगेर के जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को ध्वनि मत से पारित हो 12 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट की, वहीं 2 ने इसके विरोध में मत दिया जबकि 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। बता दें कि 6 बिंदुओं को लेकर जीप अध्यक्ष पिंकी देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लेकर अध्यक्ष पिंकी देवी अपने समर्थन में वोट नहीं जुटा पाए। इस बाबत में मुंगेर के जिलाधिकारी ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद आज से जिला परिषद अध्यक्ष पद रिक्त हो है। चुनाव आयोग से बात कर तिथि निर्धारित कर अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया जाए। वहीं इस मामले में जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी देवी का कहना है कि उन्होंने सभी जिला परिषद सदस्य 54.54 लाख रुपए अपने अपने क्षेत्र में योजना चलाने के लिए दिया था। मुंगेर से सन्मार्ग के लिए इम्तियाज खान के साथ सुरेश कुमार की रिपोर्ट। रुपया दिया अपना क्षेत्र में काम करने के लिए, लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया, इसलिए मेरे सदस्यों ने धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया। तो क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, कितने सदस्य उपस्थित थे यहाँ पे? 12 लोग थे। तो क्या हुआ आज? बरसते यही हुआ कि जो ईमानदारी से काम करते हैं सदस्य लोग को पसंद नहीं आया, जब बैवानी करते तो अच्छा लगता, इसीलिए सदस्य लोग जो है बैवानी का ही राज, ईमानदारी का राज नहीं है। धन्यवाद। वो डाक जो है नहीं हो रही थी, DDC 3 बार दिए, डाक किए लेकिन नहीं हो रही थी, मुनाफे पर घाटा पर चल रही थी, इसलिए मैं उसको। मैम जबकि पिछली बार 46 लाख में डाक हुआ था, इस बार में रेट कम क्यों हो गया? मैं जो है फाइल 2-3 बार DDC को दिए लेकिन कोई जनता लेना नहीं चाह रहा था, उतना भागा रेट, इसलिए DDC कम रेट करके उसको। 12 सदस्य उपस्थित हुए और वोटिंग के बाद 10 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 2 ने उसके अगेंस्ट में जो है वोट किया। 10-2 के अंतर के नाते ये अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया आज, और आज से अध्यक्ष जिला परिषद का पद रिक्त होता है। जी सर। और फिर उसका निर्वाचन के लिए क्या तारीख तय की गई? अभी निर्वाचन आयोग से इसकी डेट आएगी, उसके बाद।